वाले हैं गौमुख से जल लेके। अब जाएंगे हम बुलंदशहर, 10 दिन की हमारी यात्रा है। देखते हैं बाबा हमें कहाँ तक पहुँचाएंगे आज। हर हर महादेव ये सभी बोले हैं, चावल लेने के लिए आए हैं। कोई बुलंदशहर से है, कोई पंजाब से है, पर बाबा से यही दुआ है सबको सही टाइम पर पहुँच जाए। 15 तारीख का जल है, हर हर महादेव। दोस्तों वही स्थान है जहाँ से जल भरा जाता है, और मैं यहाँ से आगे नहीं जा सकते क्योंकि आगे ग्लेशियर टूटने की वजह से रास्ता बंद कर दिया जाता है, तो हमें यहीं से जल भरना होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं सभी कांवरियाँ यहाँ से जल भर रहे हैं, और सामने जो दिख रहा है वो है गौमुख, ग्लेशियर पिघलने की वजह से, टूटने की वजह से रास्ता बंद हो जाता है वहाँ पर, और यहीं से हम सबको जल भर। महादेव। तो दोस्तों हम गौमुख से 12 किलोमीटर आ चुके हैं और हल्की हल्की बारिश पड़ रही है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं हमने रेनकोट पहना हुआ है, और कहाँ पर हमारी जो जल है वो रेनकोट के अंदर ही आ रखा है, ये देखिएगा। बोले बहुत ज़्यादा पत्थर हैं और बारिश भी हो रही है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिएगा कैसे रास्ते हैं, और इनसे नंगे पैर हालत ना बस मुझे पता है और मेरे भोले को पता है। ये देखिएगा कैसे कैसे रास्ते हैं इनसे चल के, और बारिश ने ना, बारिश पड़ने से क्या हुआ, ये पत्थर गीले हो चुके हैं। अब इन पत्थरों से पैर भी फिसलने चालू हो गए, और जैसे ही पत्थर पे से पैर फिसलता है तो छोटी छोटी जो कंकरी होती है ना उनमें जाके बस पूछो ना जय भोले की। बोले हम उस स्थान पे आ चुके हैं जहाँ से हम सुबह चले थे अपना रजिस्ट्रेशन कराने के बाद। यहाँ पे हमारा आधार कार्ड सबमिट है, वो आधार कार्ड लेते हैं और फिर देखते हैं बाबा कहाँ तक लेता है। जय भोले की।
कमरा लिया हुआ है, ये है हमारा कमरा। थोड़ी महंगाई तो है यहाँ पे, पर अच्छा है। क्या बोलेगी, बोले कैसा अनुभव प्राप्त हुआ? बहुत बढ़िया। चलो बढ़िया है, जय बोलेगी। देखिएगा हमारा यहाँ पर लगा हुआ है, भोले का लाड लगा है टैग भी, और ये हमारी काबर है। पहले इनकी पूजा होगी। हर 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 महादेव, बोल शंकर भगवान की जय। तो दोस्तों हम अभी गंगोत्री से निकले हुए हैं, 5:30 बजे, 5 से 6 बजे करीब हम निकले हैं गंगोत्री से। और रात हम गौमुख से आके गंगोत्री रुके थे क्योंकि बारिश भी काफ़ी थी, और रास्ते भी मैं आपको दिखा ही चुका हूँ कैसे रास्ते हैं। तब देखते हैं बाबा ये वाली मंजिल कहाँ पे कराएंगे। हर हर महादेव। हल्की हल्की सी बारिश की फुहार पड़ रही है, भोले चले जा रहे हैं। अरे हमारे भोले, विवेक भोले छाता लगा के हैं, और हम पता नहीं क्या क्या लगा के हैं। और पीछे देखिएगा, हर हर महादेव। देखो तुम्हें बादलों के नज़ारे दिखाता हूँ भाई, एक बार पहाड़ों में आ गए ना जाने का मन नहीं करेगा। अभी यहाँ से पड़ता है भटवाड़ी, 8 या 10 किलोमीटर दूर है। फिर वहाँ से आगे देखते हैं क्या होता है। जय भोले की। ये रास्ता जा रहा है आपका पहाड़ों पे ऊपर, ये देखिएगा। और अभी हम 8 किलोमीटर आए हैं, यहाँ से उत्तरकाशी बढ़ती है 89, चंबा है 199, और धरासू है 16। यमुनोत्री हमें साइड वाले रास्ते पे पड़ेगी, यमुनोत्री हम कट के सीधे चलेंगे। हर महादेव। यह है फर्स्ट शॉट, सुबहरो घाटी निकलता है सीधा। ये देखिए सुबहरो घाटी, सभी भंडारे ना अभी समाप्त होने की कगार पे हैं क्योंकि टाइम भी कम है, और ये भंडारों को दिन भी काफ़ी हो गए लगे हुए। यहाँ पे सभी भंडारे थे, यहाँ पे पहले लगे हुए थे, जब सब बंद हो चुके हैं। हर महादेव। ये है भैरव घाटी। जय बोले की। ये भैरव घाटी का प्राचीन भैरव मंदिर। जय भैरवनाथ। हर हर महादेव। ये वो पुल है जो सबसे ऊंची चोटी पर है, यानी कि सबसे ऊंचाई पर है यहाँ पे। और यहाँ पे इस पुल के नीचे कोई ना तो पिलर है, बस आपको मैं दिखाता हूँ, नीचे भी कोई पिलर नहीं लगा हुआ इस पुल में। सबसे ज़्यादा ऊंचाई पर है पुल बना हुआ, आपको गहराई दिखाता हूँ इसके नीचे की। ये देखिएगा, ये देखिए कितना ऊंचाई पे बना हुआ है। हर हर महादेव। ये है बाबा बर्फानी, ये देखिएगा काफ़ी सालों से लग रहा है ये भंडारा, और ये सेवा कर्मी हैं जो भंडारे में सेवा करते हैं। ये देखिए चहो बाबा फरफाने वाले की। हर हर महादेव। तब निकल रहे हैं भंडारे से। हर हर महादेव। अभी हमारे बादल भोले ये चल रहे हैं वीडियो बनाते हुए, बादल भोले कुछ ही टाइम में बादलों में खोने वाले हैं। अभी दिखाता हूँ मैं आपको बादल की, बादल बादलों में खो जाएंगे। ये नीचे भागी रहती है, हमें दिखेगी नहीं इतनी गहराई पे है नीचे। और ये पहाड़ हैं,
ये है हर्षिल के लिए शॉट। शॉट तो पीछे भी दे दो, पर उनसे आसान शॉट है ये। दो शॉटों को छोड़ के आगे वाला जो शॉट है देखिएगा, यहाँ से लेके हमें जाना होगा इन पहाड़ों से होते हुए बिल्कुल नीचे। चलते हैं। जय बोले की बोले, देख लो बाबा के धाम के नज़ारे, और रास्ते देख लो कैसे कैसे रास्ते हैं। यहाँ से चलना होता है नीचे पहाड़, ऊपर पहाड़ और नीचे खाई, और फिर जाने राम दुआई। चलो बोले, बहुत बढ़िया कर रहे हो, वीडियो बनाते हुए चल रहे हो आप। वीडियो के साथ साथ आप नीचे का भी ध्यान दें, नीचे का मतलब पैर ना फिसल जाए आपका। बोले की दोस्तों, हम आ चुके हैं कोपांग। ये है कोपांग, देखिए। ये है व्यू पॉइंट हर्षिल से पहले। और भाई ये नहीं, यहाँ पे तो व्यू ही व्यू है, जहाँ पे भी खड़े हो जाए वहीं पे व्यू पॉइंट मिल जाएगा। ये देखिएगा, पहले अभी गंगा चल रही थी हमारी लेफ्ट साइड में, अब हर्षिल से पहले पड़ता है एक फ्लाईओवर टाइप का, उसे क्रॉस करने के बाद अब गंगा आ जाती है सीधे हाथ पे। ये देखिएगा, हर हर महादेव। देखो वहाँ के नज़ारे दिखाता हूँ, पर बर्फ़, ये देखिएगा बर्फ़ के नज़ारे, हर हर शंभू। एक मैं भोला एक तू भोला, देखिए क्या प्यारे झरने हैं यहाँ पे, बिल्कुल जलना बिल्कुल दूध के माफिक है, बिल्कुल सफेद। ये देखो, ये देखिएगा पहाड़ों की सुंदरता, जूम करके दिखाता हूँ। देखिएगा सीधी तरफ गंगा बह रही है, और आप जहाँ तक नज़र उठा के देखोगे बस आपको पहाड़ी पहाड़ नजर आएंगे। ये देखिएगा महादेव, और जूम कर देता हूँ। गंगा के किनारे बने हुए गाँव है, इतने ऊपर तक आप देख पा रहे ना, पूरा गांव है। जय बोले की, यहाँ से है ऋषिकेश 241, और हम टोटल आए 30 किलोमीटर। जय बोले की, ये देखिए सबसे ऊपर जो चोटी दिख रही है ना, मैं जूम करा के दिखाता हूँ। ये देखो ऊपर चोटी, बाकी नज़ारे दिखाते हैं पहुँच के। इतनी ऊँची चोटी दिखेगी ना, वहाँ तक पहुँचना पड़ेगा चल के। जय बोले दोस्तों, अभी हम झाला में प्रवेश कर चुके हैं, यहाँ से गंगा नहीं होगी 20-22 किलोमीटर। बोले बोला था ना सबसे ऊपर चढ़ना है, तो चढ़ चुकी है सबसे ऊपर। देखो हम कहाँ थे, ये पुल है ना, यहाँ से मैंने आपसे बोला था, और अब देख लो हर हर महादेव।
यहाँ से है हरिद्वार 247 247 और दिल्ली है 451। ये देखिएगा हर हर शंभू। भोलेनाथ दोस्तों हम आ चुके हैं गंगनैनी, और गंगनैनी से पड़ता है उत्तरकाशी 45 के अर्दीप समथिंग। और यहाँ पे शिविर वगैरह तो लगा नहीं होता, या खुश या तो आपको रजाई मिलेगी। इस बार रजाई 200 रुपये की है, 200 रुपये एक भोले के लिए। और कमरा देखते हैं कमरे के कैसा अर्ज होता है। जय भोले की।